पहला नहीं दूसरा दिन है ये, हाँ दो तारीख है। बस नए शुरुआत के साथ जिस तरह हम खिलखिला रहे हैं, ईश्वर करे कि हर दिन ऐसे ही एक नई शुरुआत की तरह और हमारे जीवन चले, क्योंकि हमारी जीवन भोजपुरी समाज से है, भोजपुरी के लोगों से है, और हमसे ज़्यादा खुश वो रहें ताकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। क्योंकि हम हर पल हर वक्त हर समय सोते वक्त खाते पीते वक्त हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि हम अपने पब्लिक का एंटरटेन कैसे करें। तो बस उनकी खुशियों में हमारी खुशी है, वो खुश रहेंगे, हमारी जीवन ऐसा ही खुशी रहेगी। कोई भाग रहा है प्लीज, नए साल में हम किसी को भागने नहीं देने वाले। सॉरी, ये हमारे महेश पांडे जी है और इनके बड़े भाई मुकेश पांडे जी, जिन्होंने हमारी जीवन की चौथी फिल्म बनाई थी जब मैं यहाँ आया था, सबूत। और मनोज भैया हमारे इधर आइए। मैं चाहता हूँ कि हम अपने माँ के बारे में कुछ बोलूँ। आप और ये भोजपुरी के ऐसी माँ हैं जो इनके गोद में, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे वो कौन भैया हो, चाहे खेसारी, चाहे आने वाले जितने भी पीढ़ी है, सब लोग इनके गोद से निकले हुए हैं और इनके गोद में ही खेल कर हम बड़ा हुए हैं। और हमारे माँ का आँचल और गोद इतना खूबसूरत है तो शायद बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। तो हमारी कोशिश रहती है कि मनोज भैया के हर उस पहलू को हम याद करते हैं और जीवन भर याद करेंगे। और हमारे लिए जिस तरह भोजपुरी के लिए चाचा भिखारी ठाकुर थे, उसी तरह हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हमारे मनोज तिवारी हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि बस चाचा भिखारी की तरह इनको दुनिया याद करते रहें, और हम तो है ही इनके बच्चे। तो नए साल के, हर साल की बात ही, आज नए साल में मनोज भैया ने एक इतनी ग्रेंजर पार्टी दी कि सारे भोजपुरी के लोग जो भोजपुरी के लिए जीते हैं मरते हैं, और इन्होंने सारे भोजपुरी को एक करके और सबको परिवार की तरह मिलाया, उसके लिए मैं मनोज भैया का तहे दिल से शुक्रिया और पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से भैया को ढेर सारी बधाई कि ऐसे ही हमारे भैया कभी पुराने ना हो। ये बूढ़े तो आज भी नहीं दिखते और उस समय भी नहीं दिखते थे, जिस तरह पहले देखता था मैं, आज भी ऐसे ही देखता हूँ। ईश्वर से दुआ है कि भैया की इतनी बड़ी उम्र दे कि शायद इनका गोद हमें हमेशा खिलाने के लिए खड़ा रहे और इनका हाथ हमें थामने के लिए। मनोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे 2019 का पहला दूसरा दिन ये बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? 2019 में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। भोजपुरी ने समय समय पे छलांग लगाई है। 2019 में भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची की भी भाषा बन जाएगी। हम उस कगार तक आ गए हैं, हमने बहुत अच्छा रास्ता निकाल लिया है कि जो जो भाषा देश के बाहर मान्यता प्राप्त है, अब उसको हम देश में 8वीं अनुसूची में डाल दें। और उसके बाद की जो भोजपुरी की उड़ान होगी, वो बस उसको लोग अभी कल्पना करें। और जो हमारे टैलेंटेड जो एक्टर्स हैं, जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं, जो हमारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, वो सब लोग, हम सब मिल करके एक शपथ लें इस 2019 में कि हम अपनी भोजपुरी को दुनिया के शीर्ष पर ला कर रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी की फिल्में एक नई उड़ान के बाद उनके बिजनेस भी साउथ की तरह होने लगेंगे। उस दिशा में हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, उसको मैं अभी रिवील पूरी तरह नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको इशारा करूंगा कि हम सब उस पर काम कर रहे हैं कि हमारे थिएटर अच्छे हों। हम लगभग 500 ऐसे थिएटर जो डिजिटली बिल्कुल हाईटेक हों, जहां बैठ करके सपनों की दुनिया सपने जैसी लगे। तो इशारा आज इतना ही रहेगा, 2019 भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा होगा। मराठी में, हिंदी में सबके एसोसिएशन है, भोजपुरी का एसोसिएशन नहीं है, नहीं अभी तक 8वीं सूची में शामिल है, आपने बोला कि भी समय लगेगा, तो एसोसिएशन कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ पहल किया जाए? देखिए, एसोसिएशन रीजन वाइज होती है, इसलिए मैं ऐसी विचार अगर कहीं से आ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि सब लोग सावधानी से सोचें, क्योंकि एसोसिएशन रीजन का होता है। टॉलीगंज कलकत्ता में है, उनका एसोसिएशन है। महाराष्ट्र में मराठी फिल्म एसोसिएशन भी हो सकता है महाराष्ट्र का, वो अलग अलग कुछ राजनीतिक पार्टियों के तहत भी बन रहे हैं, वो हो सकते हैं, एक जगह कई पार्टी हो सकती है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज के लिए बने, उस पर आप सब विचार कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि
जब हम बिहार में यूपी में एक बड़ी फिल्म सिटी झारखंड में हमने 300 एकड़ में फिल्म सिटी बना दी है, अब उसका शुभारंभ होने वाला है, जब वहाँ बने तो वहाँ जरूर उसका सुसन होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, अरे बाप, हमारा का मना बात में चलिए। किसान जी, बलम जी क्या आई लव यू को ये फिल्म आ रही है? बलम जी लव यू आ गई है, रिलीज हो गई, हिट भी हो गई, कुल्ली नंबर वन आने वाली है। हाँ, कुल्ली नंबर वन की सोशल वर्क पे मैंने काम किया है। पहले बच्चे अनाथ होते थे, आजकल माँ बाप ही अनाथ होते हैं। तो मैंने अभी जितना सिनेमा किया है, कोशिश रहती है हमारी कि हमारे सिनेमा से कुछ सीख लोगों को मिले, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। और हर पल, क्योंकि जब से मेरी मेहंदी लगा के रखना आई थी सिनेमा, उसके बाद से मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, करीब करीब मैं सोशल वर्क पे ही काम कर रहा हूँ। वर्कआउट मेरा जो भी हो रहा है सब सोशल वर्क पे हो रहा है। तो कोशिश है कि मैं भोजपुरी को जितना से हो सके, जो अश्लीलता का दाग लगा हुआ था उसको मिटाया जाए। और कोशिश यही है हमारी कि अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर किया जाए, बेहतर डायरेक्टर के साथ, बेहतर कहानियों के साथ, बेहतर लिरिक्स के साथ काम किया जाए, ताकि कुछ तो हमारे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जिस दिन हम सुनना बंद कर देंगे, उस दिन दुनिया अश्लील करना बंद कर देगी। तो हमें पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, पहले हम बदलें, शायद दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर एक आदमी जय हिंद का नारा लगाता है तो पूरी दुनिया लगाती है। तो मेरी कोशिश है, मैंने एक अश्लीलता का से दूर हटकर मैंने नारा लगाया है, संघर्ष दिया है, मेहंदी लगा के रखना, राजा जानी से लेकर दुल्हन गंगा पार से लेकर आपके दबंग सरकार से लेकर, हर जो मैं सिनेमा कर रहा हूँ कहीं ना सोशल वर्क पे, तो मैंने नारा लगाया है। शायद धीरे धीरे चीज़ें बदल जाएगी। और जहाँ तक मनोज भैया ने बोला एक बात कि थिएटर सुधरेंगे, तो हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेगा तो थिएटर बढ़ेगा। और बिहार में उद्योग की कमी है, बिहार में कोई हमारे पास रोज़गार नहीं है। और रोज़गार नहीं होगा तो हमारे लोग जब हमारे बिहार से बाहर जाएंगे कमाने के लिए, जहां हमारी सिनेमा नहीं लगती है, तो हमारे कहने का मतलब कि अगर 10 करोड़ लोग भी अगर हमारे जहां सिनेमा नहीं लगती है वहां हैं, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी का उठान नहीं हो पाएगा। अगर हमारे बिहार में उद्योग हो जाएगा तो जो 10 करोड़ लोग बाहर कमाने जाते हैं, अगर वो बिहार में ही कमाएंगे तो सारे 10 करोड़ लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे सिनेमा हॉल तक। अगर 5 करोड़ भी हुए, अगर उसमें से 20 लाख भी हुए, तो बहुत बड़ी हमारे लिए बात हो जाएगी। तो सबसे बड़ी पहले कि उद्योग लाना ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग आएगा तो शहर में लोग बढ़ेंगे, शहर में बातें बढ़ेंगी, शहर में क्राउड आएगा, और क्राउड आएगा तो मॉल आएंगे, मॉल आएगा तो मल्टीप्लेक्स आएगा, और आएगा तो अब इसलिए लोग अपने एंजॉय के लिए उस सिनेमा घर में जाएंगे। 2019 के कौन से पहला? अभी तो उसका नाम नहीं रखाया गया है जी, कौन था अभी पता नहीं चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से आ रही है तेरी मेहरबानी। अभी देखिए, मैं लाइनअप तो मेरी कम से कम 10 से 12 सिनेमा है, लेकिन सिनेमा रिलीज कौन होगी और पहले शूटिंग कौन होगा? MI राज जी का मैं पहला शूटिंग कर रहा हूँ इसे, और बाबू त्यागी जी का पहला सिनेमा जो कि मैं गुजरात में करूँगा शूटिंग। तो शायद मेरी कोशिश रहेगी जो भी करूँ मैं, और वो भी सोशल वर्क पर ही काम कर रहा हूँ मैं, तो हमारी कोशिश है जो मैं अच्छा काम करने का। और बाकी ठीक है तो आप सबके बीच में ही है, जो कि चौथे नंबर पे टॉप 10, आज तक के चौथे नंबर पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में, अब ये तो मुझे पता नहीं कि लेकिन आज तक पे आया था कि ये टॉप 4 में पहला ऐसा वायरल 2018 का था, जो मेरा गाना था नून रोटी खाएंगे जिंदगी से नहीं बिताएंगे। ठीक है, तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी समाज के आईना है, तो आप लोग अगर निगेटिव चीज़ें आती है तो उसको बढ़ावा देने की कोशिश ना करें, और जो अच्छी चीज़ें आती है उस पर आप लोगों को भी और करने की ज़रूरत है, ताकि अच्छी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचे, ताकि दुनिया उसको अमन करे। हिट हुआ है मिलियन में, लेकिन दर्शक वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हो ना बाबू? देखिए, मैं देखिए, आपने सोशल मीडिया का सोशल बहुत काम किया, 2019 में क्या टारगेट है, क्या वो उसको कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, मैं सोशल काम कर भी रहा हूँ ना, तो उसमें बहुत सारी अपेक्षाएं हो रही है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि मैं रोकूंगा नहीं, मुझे करना है, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो कम से कम आधी दुनिया सोई रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य उगना छोड़ देता है, मुझे उगना है, दुनिया अपने आप उठेगी, चाहे मुझे इसको लोग राजनीति मुद्दा दें, चाहे कुछ भी दें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, बस मैं अपने पैसे से, कोई मेरा NGO नहीं है, मैं अपने पैसे से अगर करोड़ों रुपया कमाता हूँ तो उसमें से 20 लाख खर्चा करने की कोशिश करता हूँ अपनी जनता के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है। तो मेरी अपेक्षा यही है कि हर आदमी अगर इस टाइप की काम करेगा तो शायद जो अपेक्षा हम अपने पब्लिक से करते हैं, तो पब्लिक भी हमसे अपेक्षा करती है, अच्छे सिनेमा के अलावा भी वो चाहती है कि हमारा स्टार हमारे बीच आकर हमारे दुख में शामिल हो, क्योंकि हम कोई भी सिनेमा बनाते हैं, लोगों के दर्द दिखाते हैं, तो उस दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। तो मैंने एक कोशिश की है, ऐसे हर आदमी को करना चाहिए। देखिए, मैं कह ही सकता हूँ, लोग कहते हैं कि आप करते हैं तो दिखाते क्यों हैं, बताते क्यों हैं,
शेवरी के जूठा बैर भगवान राम ने खाया था, लेकिन रामायण में उसको बताया गया है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, लेकिन उनको बताया गया था। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो होता है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। अगर आप अच्छा करेंगे, नहीं बताएंगे, तो आपको देखकर दुनिया वो चीज़ें नहीं करेगी, लेकिन आप बताएंगे तो दुनिया कहेगी कि यार ये आदमी करता है, मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, किसी के दुख में शामिल होना अगर राजनीति दुनिया कहती है तो मुझे उसका परवाह नहीं है। अगर वो राजनीति है तो मैं वो राजनीति करना चाहता हूँ, ताकि लोगों के दुख में थोड़ा सा शामिल हो जाऊँ। तो कल से ये भी अभी सवाल उठने, खेसारी दोनों एक साथ एक मंच पे, देखिए जब हम हो सकता है बीजेपी, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मनोज भैया जब भी हम लोगों से मिलते हैं वो बीजेपी के होके नहीं मिलते हैं, वो बीजेपी के होके मिलते तो शायद मैं उनसे नहीं मिलता। वो एक आर्टिस्ट है, वो एक अच्छे इंसान है, हमारी व्यक्तिगत रिलेशन है उनसे, और मेरी व्यक्तिगत रिलेशन लालू यादव से भी है, मेरी व्यक्तिगत रिलेशन मोदी जी से भी है, राहुल जी से भी है, मेरी व्यक्तिगत मायावती जी से भी है और अखिलेश जी से भी है। तो मेरी व्यक्तिगत रिलेशन है, वो पार्टी के होके कोई मुझसे मिलेगा तो शायद मैं नहीं मिलूँ। उनके चुनाव प्रचार में जाऊँगा तो मैं पैसा लेकर जाऊँगा, सॉरी, वहाँ व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर मनोज भैया मुझे पर्सनली बुलाते हैं तो वो मेरा रिश्ता है। आज मेरे पापा, मान के चले कि अगर वो कांग्रेस में चले गए, मेरे पापा ही कांग्रेस में चले गए, मैं बीजेपी में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके विरोध करेंगे। वो मेरे पापा हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा, वो मेरा अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। किसी पार्टी से नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और मैं किसी एक इंसान का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। चाहे वो आज मेरे मनोज भैया मेरे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं, वो गए जहाँ भी हो, लेकिन आज वो हमसे मिले तो वो बीजेपी के होके नहीं मिले मुझसे, वो एक व्यक्तिगत रिलेशन है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं उनका पैर छुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो वहाँ कोई पार्टी का ऐसा नहीं कि कमल का फूल मेरे बाल में खोज दिया कि नहीं बेटा कमल का फूल लेते जाओ, उन्होंने हाथ अपना रखा मेरे ऊपर और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। तो वो हमारा व्यक्तिगत, दो बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन है, तो इससे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर ये दुनिया को लगता है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं किसी को सफाई तो दे नहीं सकता, और कितने को सफाई दूंगा। लोगों को लगता है तो लगने दीजिए। मैं एक ही बात बोला कि सूर्य जब उगता है तो आधी दुनिया सोई रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य उगना छोड़ दे, वो उगेगा। मैं उगना चाहता हूँ, मैं उगूंगा, भले दुनिया मुझे कुछ भी कहे। आपसे भी मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुनाव प्रचार कर रहा हूँ या मैं किसी पार्टी का हूँ। मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं किसी भी डाल पर बैठ सकता हूँ, और मेरे लिए वो आम का पेड़ हो या बबूर का पेड़ हो, मेरे लिए वो सम्मानित है, मेरे लिए वो हमेशा पूजनीय है। खेसारी जी, किसी पार्टी से आने के लिए बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैं जहाँ लड़ रहा हूँ वही बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी है, क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा तो किसी पार्टी के होकर रह जाऊँगा। आज मैं पूरी दुनिया का हूँ और मैं एक फूल की तरह हूँ, और इस फूल को तोड़कर हर आदमी एक भगवान पर चढ़ा सकता है। और मैं बगान का फूल बनना चाहता हूँ, किसी के घर के पौधा नहीं बनना चाहता, ताकि वो जब चाहे तभी मुझे तोड़ सके। और ऐसा नहीं, अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन भी करूँगा तो शायद मेरे विचार उससे नहीं मिलेगा और मैं गुलाम बन के रह जाऊँगा। इसलिए ईश्वर करेगा तो बहुत बड़ी चीज़ करने वाला हूँ मैं। और ईश्वर हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामना 2019 के लिए, पूरी मीडिया ग्रुप को लव यू, और प्लीज़ अच्छी बातों को शेयर करो यार। दुख की बात है कि हमारे बीच आज कादर खान जी, उनका शरीर नहीं रहा, उनकी आत्मा नहीं रही, लेकिन शायद उनके की हुई चीज़ हमारे, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनको हम नहीं भूल सकते। और ये बड़ी दुख की बात है कि 2019 की शुरुआत में एक ऐसे आर्टिस्ट का देहांत हो गया जो कि सिर्फ हंसाना जानता था, लोगों को ओठों पे सिर्फ मुस्कान दिया। तो उनकी गरिमा को प्रणाम, उनके उस हर चीज़ को प्रणाम, और उनके ईश्वर से मैं, अल्लाह से दुआ यही करूँगा कि उनकी आत्मा को स्वस्थ दे और उनको ऐसी जगह मिले जो आदमी सिर्फ हंसाना जानता था, सिर्फ खुशियों में दुनिया को रखना चाहता था। वो कितना महान होगा, शायद मैं उनकी कथा कहूँ तो शायद मेरे मुँह से नहीं कही जाएगी, और मैं भी एक फनी टाइप का आदमी हूँ, इसलिए उनसे बड़ा लगाव था हमें। गोविंदा जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे आदर्श हैं गोविंदा जी, और गोविंदा जी के लिए कादर सर ने बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में जगह मिले, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया को हंसाया है। तो हैप्पी न्यू ईयर 2019 की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, और मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अच्छी चीज़ों का और हेडलाइन अच्छा लिखा करो यार। हेडलाइन इतना गंदा लिख देते हो, खेसारी ने ये कर दिया, वो कर दिया, लोग सर्च करते हैं, गालियां मुझे भी मिलती है। इसलिए हम हैं पवन भैया हैं, चाहे पवन भैया के फ़ैन हो, चाहे मेरे फ़ैन हो, चाहे दिनेश भैया के, चाहे जिसके भी फ़ैन हो, हम सारे कलाकार एक हैं भाई,
और आप लोग प्लीज जातिवाद करके किसी कलाकार को, अगर यादव है तो आप उनको गाली मत दीजिए, अगर आप बाबू साहब हैं तो भाई खेसारी को मत दीजिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं यार, आप आपस में क्यों लड़ते हो, मत लड़ो, हमको सिर्फ प्यार दो, चाहे वो पवन भैया हो, मैं हूँ, या दिनेश भैया हो, या रवि जी हो, या मनोज जी, हम लोग प्यार के भूखे हैं, तो सिर्फ आप प्यार दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके प्यार के बदले सिर्फ प्यार दें, आप प्यार नहीं भी देंगे तो बस प्यार ही आता है इस शरीर से, इस जुबान से। लव यू ऑल, 2019 की ढेर सारी शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू।